में भी मैं आपके लिए लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। ये मेरा एक सौगंध है आपसे। जब तक मंगल बाजार हॉस्पिटल नहीं खुलेगा, जब तक झारसुगुड़ा में सरकारी कॉलेज नहीं खुलेगा, जब तक यहाँ के युवाओं को भय मुक्त होकर व्यापार करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ के युवाओं को भय मुक्त होकर नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा, जब तक मेरे गरीब लोगों को जमीन नहीं मिलेगा, जब तक मेरे गरीब लोगों को घर नहीं मिलेगा, तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं यहाँ बैठे सभी माताओं से, मेरे गुरुजनों से आशीर्वाद का भिक्षा करता हूँ। आप अपना आंचल बिछा के आशीर्वाद कीजिए। मेरे यहाँ बैठे माताओं के आंचल में, उनके आंचल के आशीर्वाद में इतना दम है कि झारसुगुड़ा में आए जितने भी गुंडे सामने आ जाए, उनको आपके हक के लिए परास्त कर सकता हूं मैं। आपका आशीर्वाद सिर्फ चाहिए। मैं फिर एक बार यहां पे बैठे और यहां से नहीं बैठे भी दूर दूर में सुन रहे झारसुगुड़ा के सभी नागरिक, माताओं, गुरुजनों, युवा साथी सबसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आप ही का जैसा एक आप ही का परिवार का, आप ही का घर का बेटा हूं। आपका सपना को पूरा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार हूं। आप लोग मन खोल के झोली फैला के आशीर्वाद कीजिए। 10 तारीख को जो चुनाव है, सुबह सुबह निकल के कमल के निशान पे बटन दबाइए और जो लोग लंबे समय से शासन में है और झारसुगुड़ा को शोषण करते हुए अपना परिवार का तिजोरी भर रहे हैं, उनको सही रास्ता दिखाइए। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के चिन्ह पे, जो कि विकास का प्रतीक है, झारसुगुड़ा का विकास का रथ को आगे बढ़ाने के लिए और लंबे समय से शासन में रहे जो अहंकारी लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कमल के निशान पे बटन दबा के आशीर्वाद कीजिए। मैं यहाँ से सबके पैरों में अपना माथा झुका के आशीर्वाद मांगता हूँ। आप लोग आशीर्वाद कीजिए, मैं आपका सपना को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके मेहनत करूंगा। जब तक अपना सपना पूरा नहीं होगा, मेरे आँख में नींद नहीं आएगा।